गाय को ऊपर चढ़ा दें या किसी कारणवश हमारा साथ हादसा हो जाता है यहाँ गाय के साथ में मेरा, तो मेरे को मारने वाले बहुत थे और उन गायों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो तो गौ रक्षक रक्षक है ना, रक्षक बोले जाते हैं जी उनको, गौ रक्षक है, वे पैसे ले लेते हैं। कहाँ के गौ रक्षक हैं, कोई समय किया कोई शराबी है जी, ये चक्कर है। अपना पेट पूजा कराया बस, वो गायें चाहे रोड पे तड़पती रहे, उसको न तो कोई मिट्टी देने वाला न डॉक्टर के पास ले जाने वाला। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, फिलहाल आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट और साथ में एडीआर हरियाणवी। बात करें तो फिलहाल मौके के ऊपर आए हुए एक ट्रक देख पा रहे होंगे, फिलहाल जो आसी और जींद मार्ग है, रास्ता है, रोड है, वहाँ पर मौजूद हैं। एक चावल से भरा हुआ ट्रक जो पलट जाता है, बातचीत करेंगे, ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है कि कारण क्या रहे कि ट्रक पलटा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या कारण रहा कि ट्रक पलट गया? गायें आ गई थी जी, आगे पीछे से गायों का झुंड चल रहा था जी, वो एकदम से इधर कट मारा जी, तो मैं उनको बचाने के लिए जैसे मैंने कट मारा तो गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया, गाड़ी मेरे काबू में आई नहीं, तो गाड़ी यहाँ आके गिर गई जी। उस टाइम आगे पीछे और भी साधन होंगे? नहीं जी, साधन अकेला ही था। अकेला ही था जी, साधन होता तो उनके भी चोट लगती जी। आपके साथ और कौन था साथ में? मैं अकेला ही था जी। हाँ जी, तो इसके अंदर कौन सा माल भरा हुआ था? चावल था जी। चावल था, तो ये गाड़ी लोड होके कहाँ से चली थी? ये आसी से ही चली थी जी, यहाँ बाईपास के पास से ही, जैन राइस मिल से, और मेरे को करनाल के पास कुटेल जाना था जी। ये रात 11 बजे की बात है जी। ये चोट वगैरह तभी आई है? हाँ, ये गाड़ी गिरने की ड्राइवर साइड गिरी है जी, तभी मेरे पाँव में भी, यहाँ नीचे भी चोट आई है और यहाँ हाथ में भी चोट आई है जी। ये कुछ बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने इसमें थोड़ा फ्रैक्चर बताया है जी। फ्रैक्चर बताया? हाँ, मतलब टूट फूट तो है नहीं जी, वैसे ठुकने की वजह से हो रहा है जी। मुख्य पर पुलिस प्रशासन या फिर और अधिकारी आए थे? नहीं, प्रशासन जी मैंने उसी टाइम मिल में फ़ोन कर दिया जी, उसके बाद में मेरे को चक्कर आ गया जी। मेरे को दो कार वाले यहाँ से, एक मोटरसाइकिल था और दो कार वाले आए, उन्होंने गाड़ी की लाइट चस्ती देखी, तो उन्होंने मान लो मेरे को बोलिया ऊपर चढ़ के गाड़ी के, बोला भाई तू ठीक है? मैं बोला हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो मैं बाहर निकला, मैं बाहर निकलते ही जब उन्होंने रोड पर लेके आए तो मैं गिर गया था, तो मैंने उनको फ़ोन दिया, मेरा भाई इस नंबर पे कॉल कर दो। फिर मैंने बात करी अपने सेठ से और उनको बता दिया जी हाँ ऐसे ऐसे हादसा हो गया, फिर मैं अपना डॉक्टर के पास चल गया था। जो बीमा वाले आए या फिर नहीं आए अब तक? आ लिए जी। क्या कुछ चीज़ बताई आपने, क्या कुछ आपने देखा? उन्होंने जी गाड़ी के फोटो उतार लिए और मेरे फोटो उतार लिए जी, उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया जी। फिलहाल बात करें तो भाई जो एक्सीडेंट की वजह बताने लग रहे हैं, जो आवारा पशु हैं, गायें हैं, ये कहते तो नू है कि बहुत सारे गौ रक्षक हैं, कि जी बहुत सारी गौशाला भी बना रखी है, लेकिन जो रोड के ऊपर खुले आम गौ वंश चलता है, ये बहुत बड़ा जो घटना है उनका एक कारण बन जाता है। और बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट देखे, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, जरूरी नहीं चोट लग के ही बच जाओ। ऐसा है जी, मान लो हम गौशाला में गायों को छोड़ के आते हैं, मेरा भी नज़दीक गांव है जी जमावड़ी, तो गौशाला वाले एक बार दाना लिखवा लेते हैं, तूड़ी लिखवा लेते हैं, हम घर नहीं पहुँचते उससे पहले, तो गायें गाँव में ये इसीलिए छोड़ते हैं जी। इनको कोई कंट्रोल है नहीं जी, न सरकार का न प्रशासन का जी। पूरा रोड यहाँ से यहाँ तक जी, आप पूरा नई कोर्ट तक चले जाओ, दूर तक आपको गायें मिलेगी। और हम गाय के ऊपर चढ़ा दें या किसी कारणवश हमारा साथ हादसा हो जाता है यहाँ गाय के साथ में मेरा, तो मेरे को मारने वाले बहुत थे और उन गायों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो तो गौ रक्षक रक्षक है ना, रक्षक बोले जाते हैं जी उनको, गौ रक्षक है, वे पैसे ले लेते हैं। कहाँ के गौ रक्षक हैं, कोई समय किया कोई शराबी है जी, ये चक्कर है। अपना पेट पूजा कराया बस, वो गायें चाहे रोड पर तड़पती रहे, उसको न तो कोई मिट्टी देने वाला न डॉक्टर के पास ले जाने वाला। हम बात करें तो मान लो गौशाला में भी कहते हैं ये एम्बुलेंस उसने दान में दी, ये उसने दी, लेकिन वे एम्बुलेंस जाती कहाँ है जी, जब गायों को चोट लगती है तो। एक बात बताओ, मान लो कोई तो हमारा भी होना चाहिए जी रोड के ऊपर, हमारे को बेवजह ड्राइवरों को पीट देते हैं जी। अब गायों के चक्कर में मेरी तो ज़िंदगी चली गई थी, ये सफेदम गाड़ी लग जाती या आगे में लग जाती तो मेरी तो ज़िंदगी चली गई थी जी, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो भगवान का शुक्र है मैंने उनको बचाया तो भगवान ने मेरे को बचा दिया जी, यही चोट लगी जी नॉर्मल मेरे को। सबसे बड़ा कारण है जो गौवंश की, पहले भी मैंने बताया था कि लगातार जो आवारा गौवंश घूम रहा है,
सरकार ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार जो गौशाला है दान दून लिखवाया जाने लग रहा है और एम्बुलेंस बैठ कर ही जाने लग रही है। एक बड़ा सवाल अपना आप में बन जाए कि ये एम्बुलेंसें जा कहाँ आ रही हैं, क्योंकि गौएं तो बाहर फिर रही हैं, बहुत जगह एक्सीडेंट हो रही हैं। वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।